का परिणाम तुम्हें नहीं पता, सब मारे जाओगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? इतना दुस्साहस? कर रहे हो? अगर एक बात पकड़ में आ गया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो निकालो। अरे तुम जैसे डरते हो तो हम उपवास में रुला देते। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन लोगों के साथ वन में क्या हुआ होगा? ईश्वर करे काना ठीक हो। मैया, हमें वन में जाना चाहिए। नहीं राधा, तुम दोनों का वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम अपनी मैया के साथ निवास स्थान पर पहुंचो, मैं जाकर देखता हूं। तुम लोग मेरे साथ चलो। धन्यवाद बालकों। बालक होकर भी तुम दोनों ने हम सबके प्राण बचाए। तुम दोनों तो बहुत ही वीर हो। इतने सारे दानवों को तुम दोनों ने अकेले ही मार भगाया। लगता है कोई विशेष विद्या जानते हो। वो कृष्णा है ना, उसी ने हमें ये विद्या सिखाई है। बड़ा ही अद्भुत बालक जान पड़ता है। वैसे तुम दोनों रहते कहाँ हो? काका, मैं भी कृष्णा के गांव वृंदावन ही रहता हूँ। अच्छा पुत्र, हम भी वृंदावन ही जा रहे हैं। क्या नाम बताया तुमने? कृष्ण। कीर्ति देवी से कई बार उसका नाम सुना है। तुम दोनों इतने वीर हो तो वो तो कितना साहसी होगा। हाँ, कृष्णा बहुत ही वीर बालक है। मैया बाबा, आप इन दोनों के साथ समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? चलिए ना, चलते हैं। कान्हा, युद्ध का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं, दिनों का सुरकांत कैसे होगा? समय आने पर सब पता चल जाएगा दाऊ।